जिले में मस्जिदों से पकड़कर क्वारंटाइन किए गए तबलीगी जमात से जुड़े 22 जमातियों में से 4 की रिपोर्ट कोरोना वायरस पॉजिटिव आने से जिले के साथ स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया। आनंद फानंद में स्वास्थ्य विभाग ने चारों संक्रमितों लोगों को दूसरे जगह शिफ्ट कर दिया। आपको बता दें कि दिल्ली निजामुद्दीन जमात में शामिल होने के बाद हाथरस के कस्बा सासनी पहुंचे 22 जमातियों को प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने कस्बा सासनी की मस्जिदों से पकड़कर सभी 22 जमातियों को कस्बे के ही KL जैन इंटर कॉलेज में क्वारंटाइन करते हुए इनके सैंपल जांच के लिए भेजे थे। शुक्रवार देर रात 22 जमातियों में से 12 की जाँच रिपोर्ट स्वास्थ्य विभाग को प्राप्त हुई। इनमें से 4 जमातियों की जाँच रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव पाई गई। जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी ब्रजेश राठौर ने बताया कि जो 4 जमाती पॉजिटिव पाए गए हैं वह स्टेज 1 के पॉजिटिव हैं और उन्हें कस्बा मुरशान के कोविड 1 अस्पताल में दाखिल कर लिया गया। उनकी माने तो इनका गाइडलाइन के हिसाब से इलाज किया जाएगा। ठीक है, ये हाथरस में कोरोना के पॉजिटिव कुछ मिले हैं, ये लोग कहाँ से आए थे? 2 दिन पहले सासनी के मस्जिद से कुछ लोगों को लाया गया था और बताया गया तबलीगी समाज के हैं तो जमात के हैं। हमने उन सबकी जांच भेजी है, उसमें कल 12 लोगों की रिपोर्ट आई है जिसमें 4 लोग पॉजिटिव आए। ये सभी लोग वही है ना जो निजामुद्दीन मरकज से लौटे थे, ऐसा ही मुझे पुलिस द्वारा बताया गया। तो कहाँ के हैं रहने वाले हैं सही लोग? रहने वाले तो मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है। कितने लोगों की टेस्टिंग गई थी? अब टेस्टिंग तो अभी हमारी 22 लोगों की गई थी, लेकिन मात्र अभी 12 लोगों की रिपोर्ट आई है। इन लोगों को कहाँ शिफ्ट किया जा रहा है? इन लोगों को कोविड, हमने मुरसान में कोविड 1 हॉस्पिटल बनाया हुआ है, इन लोगों को वहीं शिफ्ट कर दिया गया। वहाँ का किस किस प्रकार की सुविधाएं हैं, क्या सुविधाएं हैं? नहीं, वहाँ जो स्टेज बन के हैं जिन पर कोई सिम्टम नहीं है, ये बहुत माइनर सिम्टम है, वो लोग कोविड 1 हॉस्पिटल में रहेंगे। 85% लोग होते हैं जो माइनर सिम्टम इस तरह के होते हैं जो स्वतः ठीक हो जाते हैं, वो कोविड 1 हॉस्पिटल में है। क्या इलाज दिया जाएगा इन्हें? कुछ इलाज इनका सिम्टोमेटिक इलाज दिया जाएगा, जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से इलाज दिया जाएगा। यदि कोई कॉम्प्लिकेशन डेवलप होता है तो लेवल 2 और लेवल 3 के हॉस्पिटल जो अलीगढ़ में है, आवश्यकता होने पर उनको वहाँ शिफ्ट किया जा सकता है।